इसको ना कोई फान लगाया ना कुछ लगाया, गुर्बत है, क्या क्या बंदा करेगा इसे? अब इसमें देखना, ना कोई पानी है, ना कोई सही से तरीके से ना फान लगा हुआ, फान लगा हुआ हो तो ये उठी वैसी जबरदस्त हो जाए। तो ये 5 एकड़ में कितना चावल हो जाएगा? ये 5 एकड़ में अगर ये ढक जाए ना तो ये 1 एकड़ 40 मन देता है, 35 मन, 40, 30 मन। मन हाँ, 40 किलो का मन होता है जी। सही तरीके से फान लगाओ, आबादी में करो ना। तो ये चावल लगाने चावल ये छट्टा मारा हुआ है जी। अगर इसमें ऐसे गेरिया बनाओ बारी, उसमें भी सही लगा के फिर उसकी ना हम मरई लगाते हैं, ऐसे छोटी छोटी पनीरी बना के वो लगाते हैं, वो इससे भी ज़बरदस्त होती है। तो ये छट्टा मारा हुआ, ये छट्टा मारा हुआ, ये वो पनीरी नहीं है, छट्टा मारा हुआ है। छट्टा भी बस गुर्बत की वजह से पर जलाल भी आप क्या क्या उगाते हैं जरा बताएं लोगों को। इधर हम तो ये कपास को बोलते हैं, जिसका वो बना हुआ किचरा कपास का, ये आपके सामने अगर वो किचरा अब हमने निकाल के बाहर है, इसमें से ये जो आबादी में ना इससे आगे हो, फिर ये गैर आबाद पड़ी हुई नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, गरीब लोग हैं। हाँ जी ये बंजर पड़ा, ये जोता है।
एकड़ का पीस है या बड़ा पीस है? 14 एकड़ का पीस है, बंजर पड़ा हुआ है, के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गुरबत की वजह से। पानी भी है ये पानी तो ये नहरों का आता है, साथ में चल रही है छोटी सी, ये नहरों का पानी यहाँ से आ रही है। बाकी के अगर आप उधर बोर लगाना चाहो ना, अच्छा लगे उसमें पानी, आपको इतना पानी है ये। हाँ अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में और आगे बढ़ते हैं और अगले क्लिप में आपको जलाल भाई का गांव दिखाते हैं। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और जलाल भाई से निकले के साथ उनके गांव की तरफ निकलेंगे और वहां उनके गांव में जाकर मिलते हैं। तब तक के लिए।